So hello guys, namaste and welcome back to my another video. मेरा नाम रवि है और आप लोग देख रहे हो मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है आरटी जंप बॉलिंग. तो गाइस आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा सफ़र है और नेशनल हाईवे का जो रोड है वहाँ से बहुत दूर जाना है मैंने आज, जो कि लेटांग बोल के हैं. तो आज मैंने लेटांग पहुँचना है. आई डोंट नो पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे. तो आज सैटरडे है और आपको जैसे कि पता है आज छुट्टी है, तो मौसम बढ़िया है. आज उतना गर्मी नहीं है, अभी तक फ़िलहाल धूप नहीं लगा है, लेकिन ऑब्वियसली सीज़न जो है गर्मी का स्टार्ट हो गया है यहाँ पर नेपाल पर. लेकिन आज जो है धूप नहीं लगा है, तो जाहिर सी बात है आज थोड़ा गर्मी कम होगा. लेकिन आप साइकिलिंग कर रहे हो तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, ऑब्वियसली पसीना तो आपको निकलना ही है. Few moments later. साइकिल धोखा दे दे रहे भाई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. क्या हो गया रे भाई, साइकिल जो है धोखा दे रहा है. तो गाइस यार मेरे साइकिल का गियर में जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया है लग रहा है. तो गाइस यार साइकिल में थोड़ी कमी आ गई लग रही, मेरे पता नहीं क्या हो गया, गियर में जो है समस्या आ गया है. बड़ा गियर में चल रहा है, छोटा गियर में नहीं चल रहा है. तो दमक में जाके चेक करेंगे, साइकिल का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है चेन गियर में. तो देखते हैं दमक में शोरूम है साइकिल का और वहाँ पर जाके चेक करेंगे. थोड़ा यहाँ पर बीच में चेक नहीं करेंगे, अभी तो चल रहा है, बट नंबर 6 गियर में चल रहा है, बाकी में नहीं चल रहा है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया यार. तो गाइस मैं आ चुका हूँ केरखा का मेट्रियर गेट में, जो कि शहीद गेट है यहाँ. ओ भाई आराम से भाई, बाइक वाला इतने सामने से जा रहा है यार. क्या बात है भाई, डेल्ही पे पूरा चिपक के आ रहा है मेरे साथ आज. दो बाइक हो गया, देख के आ रहा है ये, सामने देखे चला मेरा भाई. साइकिल प्रॉब्लम दिखा रहे भाई. तो ये है दमक बाज़ार पहुंचने से पहले का ब्रिज, जो कि रतुआ ब्रिज बोलते हैं हम लोग, रतुआ ब्रिज. तो इसका लेंथ है 585 मीटर. तो यहाँ पर एक चीज़ का कमी रह गया यार, जो कि दोनों साइड में जो है फुटपाथ नहीं बना दिया यहाँ पर. अगर कोई फुटपाथ बना देता तो यहाँ पर लोग जो है आना जाना आसान होना था, क्योंकि लोग जो है आता जाता करता है यहाँ पर, लेकिन फुटपाथ नहीं है. इसका प्रॉब्लम से जो है बहुत यहाँ पर चिपक चिपक के जाना पड़ता है.
ये है दमक बाजार, ये का एरिया, और ये दमक चौक, क्योंकि तो बाजार जो है अंदर को है, राइट साइड को, राइट साइड को भी है, आगे को भी है। ओ भाई छुट्टी है इसलिए है क्या इतना ज्यादा जो है। तो यहाँ पर मुझे जो है राइट में लगना है यार, मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, मैं ज़रूर जा सकता हूँ। यहाँ पर जो साइकिल शोरूम है यहाँ पर है, तो मुझे ज़रूर दिखाना पड़ेगा यार, क्योंकि काम नहीं कर रहा है गियर का, धक धक कर रहा है। साइकिल में बनाउँछ नि आन्टी होइन हजुर, यो अलिकति समस्या भयो, बनाउँछ नि त होइन, यो हेर्नु न अलिकति के भयो भाइ, यो एउटा गियर मात्रै चल्न थाल्यो, हेर्नु त अरू गियरमा चल्दै चल्दैन, यो यहीँ घुम्छ त के भयो, यो हो यसमा चल्दैन, त्यहीँ आफै घुम्छ हौ, त्यो पुरा रिङै घुम्ने भयो के भयो, हजुर यो बिर्तामबाट ल्याएको दाइ। तो गाइस यार मेरा साइकिल जो है हो चुका है खराब, ये जो है ये पूरा चेंज करने के लिए बोल रहा है, ये जो पूरा घूम रहा है देखो आप, देखो जैसे ये पूरा लूज हो गया, एक भाई ने लेके गया था कल परसों, तो यार पूरा डैमेज हो गया यार, ये अभी पूरा चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो आज मैं लंबा सफ़र के लिए निकला था और साइकिल हो चुका है ख़राब, तो मैं फ़िलहाल दमक बाज़ार में हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, और ये है हमारा शोरूम दमक का। तो यहाँ पर आया तो बोल रहा है कि 750 लगेगा, तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो थोड़ा भैया जी को यहाँ कॉल कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार, क्योंकि लंबा जाना है, लंबा जाओ या वापस जाओ आप घर को, चेंज तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो गाइस यार आ गया है प्रॉब्लम, मैं फ़िलहाल हूँ दमक बाज़ार में, तो 750 लगेगा चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आई डोंट नो, देखते हैं चेंज करते हैं, पूरा काला हो रखा है तो इसको चेंज करेंगे फिर जाएंगे। भैया जी को बुला रखा हूँ मैं यहाँ पर, एक्चुअली मेरे पास 500 रुपया सिर्फ लेके आया था मैं, ज़्यादा पैसा लेके नहीं आया था। तो गाइस यार मैं हूँ फ़िलहाल दमक बाज़ार में, और दमक का साइकिल का शोरूम है, और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो दमक का जो हमारा ओवरब्रिज है, जो इसको आकाशी पुल बोलता है, उसका नज़दीक में हूँ। तो मेरा साइकिल जो है टोटली यार आज का मेरा जो टूर है अप्रोक्सीमेटली, मैंने बहुत लंबा टूर प्लान किया था जो कि झापा से लेटांग तक जाने के लिए प्लान किया था, लेकिन बीच में जो है मेरा साइकिल आपने देखा होगा बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, और मैं ये यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ रखा हूँ, तो यहाँ शोरूम में आ रखा था, और जो मेरा साइकिल है टोटली ख़राब हो चुका है यार गाइस यार, तो बना रहा है अभी शोरूम में ले जाके। पुरै हलाइदियो भित्र है, त्यही त दुइटामा मात्रै चल्छ अरू चल्दैन, त्यही त दुइटा मात्रै चल्छ अरू खत्तम, त्यो अरूमा त त्यो भनेको उफार्दै चलाएर होला, उफार्दै चलाएर है। गाइस यार ये जो है बिल्कुल हो चुका है ख़राब, जो कि मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये जो आप देख सकते हो ये जो है पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो यार
क्यों कोई हाल नहीं था पूरे बर्बाद पारे छे है तिमी फेर्नु पर्छ फेर्दै फेर्दै देखि के फेर्नु पर्ने सबै फेर्दै तो अभी जो है तकरीबन आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, बना रहा है और आप मेरा शक्ल देख सकते हो यार। एक तो मैंने पैसा लेके नहीं आया था बिल्कुल ही, ओनली 500 रुपीस लेके आया था। तो यहाँ कुछ अपना भैया से मांग के जो है बना रहा है और वो भी जो है नहीं पहुँचेगा बोल रहा है। तकरीबन 1500 से ऊपर 2000 से ऊपर लग रहा है चूना लगने वाला है मेरा। तो यहाँ पर जो है मेरा माइक वगैरह रख के जाएंगे, मैं प्लान कर रहा हूँ, देख देख क्या होता है, मेरे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस यार बन गया है मेरा साइकिल। ये जो है पूरा ये टोटल पूरा चेंज करना पड़ा इसको और तकरीबन जो है 1500 से ऊपर का चुना लग गया है मेरा। और मैं अभी जो है मेरा प्लान जो है, ये आप देख रहे हो, मेरा प्लान जो है टोटली कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिटर्न बैक जाना पड़ेगा।